भुक्त्वा भोगान् सविष्टान् पुनरपि भीषणोद्भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्ववति मधुरम् मायया भोजयन्नो माया संख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्मव्यत्तं नतोऽस्मि। अथर्वेदीय मांडू को उपनिषद के आदम प्रकरण अभी सातवां मंत्र है, उसके अंदर क्या रहस्य छुपा हुआ है उसको व्याख्या करते हैं। उनका कहना है कि व्याकृत और शब्द ये दोनों एक कैटेगरी है, ये दोनों एक ही कैटेगरी के हैं और सुषुप्ति अवस्था प्राज्ञावस्था उससे थोड़ा भिन्न है, क्योंकि वहाँ पे निद्रा जो है मतलब स्वप्न नहीं है। अतुली में क्या है, निद्रा स्वप्न दोनों ही नहीं है, तो निद्रा स्वप्न क्या बात है, तो उसको लेकर के बोल रहे थे यहाँ पे अन्यथा गृह्णते स्वप्न निद्रा तत्त्वम् अजानते। एक साथ श्लोक को पढ़े, किसी को पढ़ विचार चल जाए, अन्यथा गृह्णतः स्वप्न निद्रा तत्त्वम् अजानतः विपर्याशे तयोषिणे तुरीयम् कहते हैं ये जो हम वहाँ पे कोया वस्तु है ये नहीं जानना, इसको हम निद्रा बोलते हैं। कोई वस्तु सामने दिखाई दे रही है, प्रतियोमान कोई वस्तु के अंदर यथार्थता तो क्या है, प्रतियोमान कोई वस्तु के अंदर यथार्थता क्या है, ये नहीं जानने का इच्छा भाई नहीं जानना, ये हो गया आपका निद्रा। और उसको नहीं जानने का कारण उसके संबंध में जब अलग सोच लिया वो हो गया अन्यथा ग्रहण, हो गया स्वप्न, हो गया स्वप्न। इसलिए यहाँ पे निद्रा और स्वप्न की परिभाषा को यहाँ पे समझना है, अन्यथा गृह्णते स्वप्न निद्रा तत्त्वम् अजानते। किसी वस्तु के अंदर पारमार्थिक तत्व क्या है ये नहीं जानना, ही हो गया अज्ञानात्मक निद्रा। और इसके फलस्वरूप जगत वस्तु का भिन्न रूप में समझ लिया, ऐसे सामने पूर्ण परिव्याप्त शुद्ध चेतन तत्व है परंतु हमें क्या दिखाई दे रहा है, हिमालय नदी मकान दुकान पहाड़ रूप में दिखाई दे रहा है, क्यों हम उस तत्व की तरह ध्यान नहीं। इस कारण ये दोनों जो विपरीत ग्रहण अथवा वैपरीत की भाव, ये दोनों जब ये छिन्न हो जाता है, छिन्न हो जाता है तब क्या होता है, जो चौथा स्थिति है जो ये तीन के साथ रहते हुए भी तीन से विलक्षण है वो पद तक समझ में आता है, वो स्थिति तक अनुभव में आ जाता है। जब ये विपरीत ग्रहण हमारे ये दोनों रिलेटेड है, विपरीत ग्रहण पहले बंद होगा कि पहले आपका तुरियों का बोध होगा, तुरियों का बोध के लिए हम प्रयास करते रहेंगे और तब क्या होगा धीरे 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 विपरीत भावना जो है असंभावना विपरीत भावना वो ज्यादा रहेगा, फिर जैसे ही अधिष्ठान की ज्ञान होगा दोनों को विपरीत देख सकते जाएगा। यहाँ पे भगवान हमारे आनंद के लिए जो बोले थे तीन प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, स्वप्न क्या जो वस्तु है, निद्रा क्या वस्तु है, अतुल्य की निश्चय कैसे हो सकता है, ये तीन प्रश्नों को उत्तर देने के लिए इस श्लोक को मांडव कार्यकार ने लिखे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने कहाँ तक पढ़े थे, इस पन्ने में 59 पन्ना पढ़ा था, पूरा हो गया था। तदा तत्र कदा स्वप्न भवति इति प्रश्न परिहरति, स्वप्न कब होता है, अन्यथा गृह्णते स्वप्न तुरीय निश्चित, कदा तुरीय निश्चित भवति इति उच्यते मतलब उसके आगे स्वप्न जागरितयोः अन्यथा मतलब अन्यथा गृह्णतो स्वप्न जागरितयोः अन्यथा गृह्णयोः रज्जुं सर्पैः विदृष्टन्ते उस स्वप्न भवति। ठीक है, भाष्यकार की एक ही पंक्ति इस पन्ने में है, स्वप्न जागरित, स्वप्न जागरित अवस्था में अन्यथा गृह्णत, जो अन्यथा ग्रहण होता है उससे कोई हम क्या बोलते हैं, स्वप्न बोलते हैं, गृह्णत तत्त्वम् स्वप्न भवति, जो अन्य रूप अन्यथा रूप में गृह्णत है उसको हम स्वप्न बोलते हैं। बीच में दृष्टांत तो क्या दे दिया, रज्जुं सर्प इव, रज्जु में सर्प जैसा, रज्जु में सर्प जैसा। यहाँ पे कल दो नंबर टिप्पणी पढ़ लिए थे, रज्जुं सर्प इव, रज्जुं गृह्णमानः सर्प यथा अन्यथा गृह्णते तद्वत्
तत्तम अन्नथा बृहत इति योज्यम, जिस प्रकार रज्जु में क्या तत्व नहीं दिख स्थान पीने के कारण हम उसको सर्व रूप में ग्रहण करते हैं, इसी प्रकार जगत में जो भी कोई वस्तु दिखाई दे रहा है उसको परमात्मा क्या उसमें है ये जानने की इच्छा जब तक नहीं होता, जब तक जान नहीं लेते हैं तब तक हमें भिन्न रूप में ग्रहण होता है। इसे बोलते हैं तद्वत तत्तम अन्नथा बृहत, वो जो तत्व जो है उसको अन्न रूप में ग्रहण होता है, इति योज्यम ऐसा अन्न करना पड़ेगा। दृष्टांत क्या गया सर्व इव इति का पाठ कर, सर्व जैसा रज्जम स्वर्प इव रज्जु में सर्प जैसे ग्रहण होता है। फिर जो है आगे और बोला अवस्था द्वये स्वप्न द्रष्टु, ठीक है अवस्था द्वये स्वप्न द्रष्टु इति अर्थ, दोनों अवस्था में स्वप्न दृष्टा का, दोनों अवस्था में ये स्वप्न दृष्टा ही है, स्वप्न द्रष्टु स्वप्न दृष्टा का ये स्थिति है। अब दोनों अवस्था में स्वप्न हम तो जगे हुए हैं, ये तो कल आपको शंका उठाया था, बोलते ये जब अपने को जगे हुए समझ रहे हैं ना वो वास्तविक निद्रा है, क्योंकि माया निद्रा में आप सोए हुए हैं, आगे बोलेंगे। अब यहाँ पे आगे फिर बोलते हैं अवस्था द्वय स्वप्न दृष्टु इति अर्थ, सभी जो भिन्न अन्न का ग्रहण होता है। आगे द्वितीय प्रश्न समाधान, द्वितीय प्रश्न क्या उठाया था कि निद्रा तरीका ना, निद्रा किस समय होता है, निद्रा किसको बोलेंगे, तो उसको बोलते हैं निद्रा तत्त्वम अजानत, कि जो तत्व को नहीं जानना वहाँ फिर सच्चाई क्या है ये नहीं जानना, इसको निद्रा बोलते हैं, इसको निद्रा बोलेंगे। अब क्या हो गया ये तीसरीशु अवस्था सुतुल्ला, ये निद्रा जो ना तीनों अवस्था में बराबर है, कौन तीन अवस्था जागृत स्वप्न सुषुप्ति, तीनों अवस्था में निद्रा मतलब वस्तु तत्व की ग्रहण नहीं हुआ, वस्तु की यथार्थता का ग्रहण नहीं हुआ, ये तीनों अवस्था में समान है। जागृत में भी वही मतलब जागृत और स्वप्न में अन्यथा ग्रहण होता है और स्वप्न प्रागम मतलब सुषुप्त अवस्था में अन्यथा ग्रहण नहीं होता है, तीनों में एक होते हुए भी एक मतलब अज्ञान तीनों में बराबर रूप में रहते हुए भी तत्व का अवग्रहण रहते हुए भी जागृत और स्वप्न में अन्यथा ग्रहण होता है, जिसका बीज है वो अज्ञान अग्रहण अग्रहण अन्यथा ग्रहण के बीज है। इसको यहाँ पे देखिए बोलते हैं कि यहाँ समझा रहे आपके लिए विश्वादिशु त्रिशु, जो मतलब त्रिष्टिशु अवस्थाशु उसको बोलते हैं कौन विश्व तेजस जागृत। अच्छा फिर यहाँ पे जब वो तीन है तो यहाँ पे विपर्यासि तयोर, तयोर में कितना एक वचन है कि द्विवचन है कि बहुवचन है, द्विवचन है और अवस्था कितना बोला तीन बोला, तो अवस्था तीन होना तो त्रिशु अभी भस्पति चिन्ह यहाँ पे मानवीय कार्य करने तय द्विवचन कैसे प्रयोग कर दिए, तो बोलते हैं यहाँ पे विश्वादिशु तयोर इति द्विवचनम कथम, ठीक है ना यहाँ पे द्विवचन कैसे प्रयोग कर दिया इति आशंक उसको उत्तर में बोलते हैं। अब भाष्य फिर देखिए स्वप्न निद्रयो स्तुल्यत्वा, स्वप्न और निद्रा एक ही कैटेगरी की है, स्वप्न और निद्रा एक ही कैटेगरी, स्वप्न निद्रयो स्तुल्यत्वा विश्व तेजस और एक राशितम, वो एक एक ग्रुप में हो गया, विश्व तेजस एक ग्रुप है, वहाँ पे दो तीन कुछ भी हो परंतु वन ग्रुप है ना, इसलिए वहाँ पे एक वचन प्रयोग किया, दो द्विवचन प्रयोग दोनों मिलकर के एक किया, इसलिए यहाँ पे बोलते हैं टीका का लिख रहे हैं विश्व तेजस एक राशि प्राज्ञ द्वितीय है ना, विश्व और तेजस मिलकर के एक और प्राज्ञ, विश्व और तेजस में क्या समान है कार्य कारण तत्व मतलब अग्रहण अन्यथा ग्रहण दोनों में है और प्राज्ञ में क्या है केवल मात्र अग्रहण, ये दो राशि हो गए इसके विश्व तेजसो एक राशि प्राज्ञ द्वितीय, इसलिए द्विवचन प्रयोग किया, ततः श्लोके द्विवचनम अवरुद्धम, इतने श्लोक में जो कहा तयोर विपर्यासे तयोर चिन्ह पे जो द्विवचन प्रयोग किया, ये द्विवचन प्रयोग करना कोई गलती नहीं है, ये सही है, क्योंकि उन दोनों तो वहाँ पे मांडव को कार्य करने केवल दो एक ग्रुप में विभाजन किया, एक ग्रुप में जहाँ पे आपका अवग्रहण अन्यथा ग्रहण दोनों है और एक ग्रुप में केवल मात्र अवग्रहण है और एक है क्या जिसमें अग्रण अनुतरण दोनों ही नहीं, इसे हम बोलते हैं अतः श्लोके द्विवचनम और विरुद्धम इति अर्थ। अच्छा अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि प्रथमे राशो विपर्यास स्वरूपम कथयति, प्रथम राशि कौन हो गया अभी जागृत और स्वप्न, उसमें जो विपर्यास मतलब उल्टा ग्रहण, ये कैसे ये क्या है बोलते हैं प्रथम राशो प्रथम राशि में विपर्यास स्वरूप मतलब उल्टा ग्रहण का स्वरूप कैसे उसको बोलते हैं, जो अन्यथा ग्रहण प्राधान्यच दोनों में जागृत स्वप्न सुषुप्त में क्या होता है अन्यथा ग्रहण की प्रधानता होती है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति में जागृत और स्वप्न में अन्यथा ग्रहण की प्राधान्यता होती है, जिस समय की मतलब क्या प्राधान्यता क्या हो गया रज्जु को ऊपर सर्प को दिखाई दे रहा है, प्राधान्यता हम किसको दे रहे हैं सर्प को दे रहा है प्राधान्यता, तभी तो भागा दौड़ी हो रहा है,
उसको मिटाने का प्रयास हो रहा है। प्राधान्य तो वहाँ पे अन्नता ग्रंथि है, यहाँ पे प्राधान्य यहाँ पे अन्नता ग्रंथ, हमारे लिए दुखदायी हो रहा है तो हम उसको मिटाने का कोशिश करते हैं। इसी यहाँ पे बोलते हैं कि अन्नता ग्रहण प्राधान्यात च गुणभूता निद्रा। अब ग्रहण का जगह गौण रूप हो गया है, वहाँ पे अग्रहण परंतु गौण रूप क्यों देखा वो समझ में नहीं आता कि मेरे को मैं अज्ञान से इसको सत्य मान के समझ में नहीं आता। मैं बोला कैसा सत्य है, इस समय सर्प देखता हूँ, तो वहाँ पे बर्फ में पानी को देखता हूँ, बोला सत्य है, बालू वहाँ पे विद्यमान है, वो गौण हो गया। अग्रहण वहाँ पे गौण हो गया, अन्नता ग्रहण प्रधान हो गया, ये हो गया विपर्यास। इसलिए भी बोलते हैं अन्नता ग्रहण प्राधान्य गुणभूता निद्रा इति तस्मिन विपर्यास स्वप्न। इस गुणभूता निद्रा में नहीं था उस अवस्था में विपर्यास, मतलब विपरीत ग्रहण क्या हो गया, स्वप्न मतलब अन्नता ग्रहण, ये विपर्यास है। चीज है कुछ है, हमने पूछा अरुचि की प्रधानता रहता है वहाँ पे, मानना भी नहीं चाहता कि दूसरा कोई बोले जब तक नहीं देखा मारेंगे नहीं, स्वर्ग है वहाँ पे, संसार है यहाँ पे, ऐसे सब अज्ञान जी कहते हैं। सच्चे हमें अपना आंख से देखने को जैसे बोल रहे हैं कि झूठे अथवा है, कैसे बोल रहे हैं। अच्छा, अन्यथा ग्रहण प्राधान्य गुणभूता निद्रा इति तस्मिन विश्व विपर्यास स्वप्न। विपर्यास का जो अन्यथा ग्रहण है वही स्वप्न है। अच्छा, तो एक राशि हो गया, कौन राशि, जागृत स्वप्न राशि, तो एक कैटेगरी में आया जिसमें अग्रहण अन्यथा ग्रहण दोनों है, मतलब कार्यकरण बद्धत्व दोनों है। द्वितीय राशि कौन है, प्राज्ञ अवस्था, वहाँ पे क्या है, केवल मात्र अग्रहण है। इसलिए बोलता है द्वितीय राशो विपर्यास विशेषम दर्शयति। द्वितीय राशि में जो विपरीत ग्रहण की विशेषता क्या उसको दिखाते हैं अभी हर जगह, ठीक है ना। द्वितीय राशो विपर्यास विशेषम, वहाँ पे विपर्यास स्वरूप बोले, हमें विशेष विपर्यास क्या विशेषता है वहाँ पे ये दिखाते हैं भगवान भाष्यकार। क्या बोलता है, तृतीय तु स्थाने, तृतीय स्थान क्या होगा, प्राज्ञ अवस्था मतलब सुषुप्ति अवस्था, तृतीय तु स्थाने तत्व अज्ञान लक्षण निद्रा एव केवल विपर्यास। वहाँ पे निद्रा ही केवल विपर्यास है, और वहाँ पे अन्यथा ग्रहण गौण हो गया, ये नहीं बोल सकते, ग्रहण होता ही नहीं अन्यथा ग्रहण। इसीलिए वहाँ पे देखो, वहाँ पे तो इसमें तो किसमें, जागृत और स्वप्न में, जागृत और स्वप्न में अन्यथा ग्रहण प्राधान्य है, परंतु अन्यथा ग्रहण के प्राधान्य तो होने पर भी वहाँ पे गौण रूप में अग्रहण बैठा हुआ है, तब जाकर अन्यथा ग्रहण प्राधान्य, परंतु जहाँ पे अन्यथा ग्रहण नहीं है केवल मात्र अग्रहण है वहाँ पे, इसलिए अन्यथा ग्रहण गौण रूप में ये नहीं कह रहे हैं, ये कह नहीं सकते आप, कुछ है नहीं वहाँ पे, केवल सब बीज रूप में बैठा हुआ। इसलिए आप बोलते हैं कि द्वितीय तु स्थाने मतलब सब आपको सुषुप्ति अवस्था में गहरी नींद में, वहाँ पे प्राधान्यता किसका होता है, केवल मात्र अज्ञान के ही प्राधान्य होता है। तत्व अज्ञान लक्षण, तत्व को नहीं जानना ही जो है तत्व की अज्ञान के द्वारा लक्षित होता है, जो निद्रा एव, वो एव का अर्थ करता है केवल, केवल निद्रा ही है अज्ञान मात्र, यही विपर्यास है, यही विपरीत है। आप विपर्यास देखो बोल रहे हैं, मतलब आत्मा नित्य ज्ञान स्वरूप है, वहाँ पे अज्ञान आना संभव नहीं है, मतलब मैंने अज्ञान को माना, मैं कुछ भी नहीं जाना, यही विपर्यास है, मतलब विपरीत ज्ञान हो रहा है, ये बोलते हैं। यहाँ पे एक नंबर टिप्पणी में बोल रहे हैं निद्रा एव केवल, उसी को पढ़ा है ना टिप्पणी, केवल स्वप्न उपसर्जनत्व अभाव, वहाँ पे स्वप्न उपसर्जन रूप नहीं है, कहाँ सुषुप्ति अवस्था में अन्यथा ग्रहण गौण नहीं है, स्वप्न उपसर्जन का अभाव था, केवल रहता है वहाँ पे, केवल मतलब एव मतलब और कुछ भी नहीं है वहाँ पे, केवल अज्ञान ही, आत्मा की बिंदु मन तो है, वही तो चेतन वहाँ पे प्राग रूप में कहा जा रहा है। इसलिए बोलता है स्वप्न उपसर्जनत्व अभाव अह केवल इति एव कार व्याख्यान में वेतन इति ध्येय, वो जो वहाँ पे लिखा ना निद्रा एव, निद्रा एव का मतलब एव कार की अर्थ है केवल, बस अग्रहणीय है अन्यथा ग्रहण नहीं है वहाँ पे, ठीक है ना, भूमि रूप से अन्यथा ग्रहण वहाँ पे नहीं है, ये इसका अंदर विपर्यास। अच्छा, अब फिर टीका में देखिए द्वितीय अर्थगतानी अक्षराणी व्याकरोति। अब द्वितीय अर्थ अर्थ मतलब ये विपर्यास तयोच्छीने तुरीयम, विपर्यास क्या है ये कहा, विपरीत ग्रहण क्या हुआ ये कहा, ठीक है ना। आप इन द्वितीय पंक्ति क्या है, विपर्यास तयोच्छीने तुरीयम पद्मस्मृते, इन दोनों की विपरीत ग्रहण जब क्षीण हो जाता है उसको लेकर के हमें बोल रहे हैं। देखिए कि द्वितीय अर्धगतानी अक्षराणी, द्वितीय अर्ध में जो अक्षर आया हुआ है उसके यहाँ पे व्याख्या करते हैं व्याकरण की। अतः अतः तयो
उन दोनों का कार्य कारण स्थान यो कार्य और कारण स्थान रूप में जिसको कहा गया है, कारण स्थान हो गया पाक प्राग्ञ और कार्य स्थान हो गया जाग्रत स्वप्न। अन्नता ग्रहण लक्षण विपर्यास्य, अन्नता ग्रहण लक्षण विपर्यास्य कहते अन्नता और अग्रहण पढ़ेंगे यहाँ तयोर जब बोले ना कार्य कारण स्थान यो अन्नता अग्रहण लक्षण विपर्यास्य, ठीक है ना, अन्यथा ग्रहण अग्रहण रूपी लक्षित होता है जो विपर्यास, इसलिए कार्य कारण बंध रूप है, जो कार्य कारण रूपी बंधन रूप है, कारण हो गया आपका अग्रहण और अन्यथा कार्य हो गया आपका अन्यथा ग्रहण, ठीक है ना, तो इन इसके ये दोनों बंधन रूप है। इस बंध रूपे परमार्थ तत्व प्रतिबोधक हो कब जागते हैं, इस विपर्यास कब होता है जब परमार्थ तत्व के प्रति हम जाग जाते हैं, परमार्थ तत्व प्रतिबोधक उसके फलस्वरूप क्षीणे जब वो क्षय हो जाता है, कौन क्षय हो जाता है, ये जो अन्यथा ग्रहण अन्यथा अग्रहण लक्षण विपर्यास कार्य कारण बंध रूपे क्षीणे सती है ना, वो दोनों क्षय होने पर कैसे होता है, परमार्थ तत्व प्रतिबोधक परमार्थ तत्व का ज्ञान से तब क्या होता है, तुरियम पदम स्मृते, तब आपको जो है अपने स्वरूप का बोध होता है, तुरीय पद मतलब अपने स्वरूप संबंधित बोध जिसको प्राप्त करना चाहते थे, पद यहाँ पे पद्यते इति पद उसको प्राप्त करना चाहते हैं, वो प्राप्त हो जाता है ठीक है। अतः इसलिए तयो कार्य कारण स्थान है, कार्य कारण स्थान कौन कौन है यहाँ पे, जो स्वप्न भी और जागृत भी, वहाँ पे कार्य भी है कारण भी है अग्रहण भी है अन्यथा ग्रहण, इसलिए बोलते अन्यथा अग्रहण लक्षण विपर्यास, अन्यथा ग्रहण और अग्रहण लक्षण रूप जो विपरीत ग्रहण हुआ विपर्यास हुआ कार्य कारण बद्ध रूप जो एक कार्य रूप और कारण रूप जो बंधन का हेतु होता है वो क्या होता है छीने, यहाँ पर अन्य होगा परंतु बीच में क्या गया परमार्थ तत्व प्रतिबोधतः, परमार्थ तत्व की ज्ञान समझता है एकत्व निष्ठा आने पर, एकत्व निष्ठा आने पर धीरे धीरे क्या होता है ये जागृत स्वप्न में दैत्य देखना मतलब भेद देखना ये बंद हो जाता है। चीने तुरीय पदम स्मृति वहाँ पे दो नंबर तीन नंबर टिप्पणी दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है ना, परमार्थ तत्व प्रतिबोधतः, ठीक है ना, परमार्थ तत्व बोध कैसा होता है, शास्त्र आचार्य उपदेश जन्य तत्व साक्षात्कारा ये तत्व प्रतिबोध है, तो पंचमी अध्याय हुआ है यहाँ पे बोलते हैं शास्त्र को उपदेश आचार्य के माध्यम से, शास्त्र आचार्य उपदेश जन्य शास्त्र वाक्य आचार्य मुख से सुन करके उससे उत्पन्न होता है जो तत्व साक्षात्कार उससे ये छीन होता है, परमार्थ तत्व विवेक प्रतिबोधक छीन, छीने मतलब बाधिते, छीन मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे कहते हैं बाध होता है ना, लय नहीं है, लय जो कार्य कारण में लय करता है तो कब करता है, जब हमारा जो वास्तविक यदि कार्य रूप में कारण परिणत हुआ होता तब वहाँ पे लय की प्रश्न होता है, परंतु यहाँ पे बाध समाधि यहाँ पे बाधित होता है विचार पूर्वक बाध हो जाता है, चीने मतलब बाधिते मतलब क्या होगा मिथ्यते न निश्चिते इति जाने, ये संसार पारमार्थिक है ये मिथ्या है प्रकृति मात्र है इसका पारमार्थिक होता नहीं है ये इसका अभिप्रय करता है। दो नंबर तीन नंबर टिप्पणी हो गया, अब आ जाइए यहाँ पे टीका में, टीका बोलते हैं द्वितीय अर्थगता में अक्षरानी व्याकरण की अर्थवता ही ठीक है। अब देखिए बोलते हैं द्विवचन से उपपन्नत्वात्, यहाँ पे जो द्विवचन प्रयोग किया कहाँ पे तयो हाँ तयो द्विवचन से उपपन्नत्वात् विपर्यास्य च विभागेन निर्धारितत्वात् द्वितीय अर्थ, जो विपर्यास है ना दो प्रकार के विपर्यास है, एक दो मतलब एक अग्रण एक अन्यथा ग्रहण, तो एक कैटेगरी में अग्रहण अन्यथा ग्रहण दोनों है और एक कैटेगरी में केवल अन्यथा ग्रहण है अग्रहण है, इसलिए यहाँ पे बोलना है कि द्विवचन उपपन्नत्वात् विपर्यास्य च विभागेन निर्धारित, अलग करके विभाग करके यहाँ पे निर्धारण कर लिया गया क्या सुषुप्ति अवस्था में केवल मात्र अग्रहण है और जागृत स्वप्न में अन्यथा ग्रहण भी है, ये यहाँ पे बोलना है। अब तृतीय प्रश्न प्रतिविधत्ते, तृतीय प्रश्न क्या था कदा तुरीय निश्चितो भवति, तदा तुरीय तृतीय प्रश्न था, तृतीय प्रश्न तब क्या बोलते हैं तदा उभय लक्षण बंध रूप तत्र अपश्यन तुरीय निश्चित भवति, दोनों प्रकार के जो बंधन था कार्य कारण रूप है ना, तो उभय लक्षण बंधन रूप तत्र उस अपने स्वरूप में तुरीय अपने स्वरूप अवस्था में अपश्यन नहीं देखते हुए तुरीय निश्चित भवति, अपने पारमार्थिक से संबंध निश्चय हो जाता है, पारमार्थिक निश्चय होता है, ये इसका विपरीत अर्थ है। तत्र अपश्यन ये पार्टिसिपल है
नहीं देखते हुए, नहीं देखते हुए पास्ट में बोल, नहीं पास्ट में नहीं बोलना है, नहीं देखते पश्चन, पश्चन पार्टिसिपल होता है, पश्चन पार्टिसिपल है, पश्चन धातु दृष्ट पश्चन आदेश होता है, उसमें आपका नवे जो सिंगुलर पश्चन और अपश्चन नहीं देखते भी। यदि आप यहाँ पे अपश्चन मतलब आपका लुंग लकार थर्ड पर्सन प्लुरल नंबर, लंग लकार, लंग लंग लकार, लंग लकार थर्ड पर्सन प्लुरल नंबर क्या होता है? अपश्चन, अपश्चन अपश्चन होता है। यहाँ पे आपको करता तो वो वचन ढूंढ के लाना पड़ेगा, वो वचन तो कोई प्रयोग हुआ ही नहीं यहाँ पे, भगवती क्रियापद है यहाँ पे, इससे दो क्रियापद नहीं हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे पार्टिसिपल है, ये करता है ना, ये करता है, इसलिए सिंगुलर है ये, और इसीलिए भगवती क्रियापद के साथ उसका ताल मिला जाएगा, इसलिए यहाँ पे बोलते हैं दादा उभयो लक्षण उस समय दोनों के द्वारा लक्षित होता है, जो मंदिर मतलब कार्य लक्षण कारण लक्षण अथवा निद्रा और स्वप्न लक्षण, उसके द्वारा लक्षित जो बंधन है तत्र अपश्यन, उस अपने में दोनों को नहीं देखते हुए, अपने में दोनों को नहीं देखते हुए तत्र अपश्यन तुरीय निश्चित हो भवती, जो अपना पारमार्थिक स्थिति है उस विषय में निश्चय हो जाता है। स्वामी जी हमारा किताब में पेंसिल से द्विवचन से लेके ये लाइन काटा हुआ है, ये जो आनंदगिरी का जो टीका है लास्ट सेकंड लास्ट लाइन दी वचनों प्रपन्नो बाधितो परजशु जो लाइन है और द्वितीय प्रश्न वो क्या है, एक ही लाइन को दो बार लिख दिया, देखिए आप जहाँ पे पढ़ रहे हैं ना वहाँ पे ऊपर नीचे दोनों देखिए आप दो बार दी वचनस्य उपपन्नत्वात् विपर्यासस्य च विभागेन निर्धारितत्वात् द्वितीय, ठीक है ठीक, उसका उसी के नीचे देखिए फिर तृतीय प्रश्न प्रतिविधत्त ये भी दो बार आया हुआ है, ठीक है, ये भी दो बार आया हुआ है, यहाँ तक कि आपका ये हो जाएगा तृतीय प्रश्न प्रतिविदत्ते तदा उभय लक्षण बंधुलोकं तत्र अपश्यन्तु ये निश्चित भवति, ये है ना, तत्र प्रबोधात् विपर्यास्य क्षय अवस्थायाम इति अर्थ, किसका अर्थ हो गया तदा, तदा मतलब उस दा प्रत्यय समय अर्थक समय का बोधक होता है, तो किस समय, जिस समय तत्व प्रबोधात् मतलब आपका अधिष्ठान तत्व के ज्ञान से मतलब तत्व के प्रति जाग जाने के कारण विपर्यास क्षय अवस्था है, विपर्यास क्षय अवस्था में क्या होता है कि तुरीय मतलब स्वप्न निद्रा दोनों नहीं दिखाई देता, अग्रहण नतग्रहण दोनों नहीं, यही समझ में आ जाता है, मतलब मुझ में कभी अज्ञान था ही नहीं, ये हमने कल्पना कर लिया, ये निश्चय हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक द्विवचनस्य उपपन्नत्वात् विपर्यस्य च विभागेन निर्धारितत्वात् तृतीयं प्रश्नं प्रतिविदत्, यहाँ तक जो है दो बार लिखा हुआ है, ठीक है ना, उसको एक काट देना है, और वहाँ पे तदा पद की अर्थ कर दिया तत्व प्रबोधा मतलब तत्व की प्रतिबोध से तत्व के प्रति जाग जाने का कारण, प्रबोध मतलब जगना, तत्व के प्रति जाग जाने का कारण विपर्यस्य क्षय अवस्थाया, उस समय कहता है आपका जो वैपरीत ग्रहण था, विपरीत ग्रहण हो रहा था, वो क्षय अवस्था में क्या होता है तूर्य निश्चित, उस समय तूर्य अपने स्वरूप संबंधित निश्चय हो जाता है, यहाँ पे क्या कि निद्रा और स्वप्न तीनों काल में नहीं था, निद्रा स्वप्न तीनों काल में हमारे स्वरूप में नहीं है, इस प्रकार निश्चय होता है। अच्छा आगे बोल रहे हैं टीका में नेक्स्ट वाला, ये भी बहुत अच्छा की श्लोक है, इसका भी ध्यान रखना है, कदा तत्व प्रतिबोध विपर्यास क्षय हेतुर्भवति इति अपेक्षायाम आप, किस समय, टीकाकार बोलते हैं अभी क्या कहना चाहते हैं, कदा तत्व प्रतिबोध, जो तत्व संबंधित बोध, तत्व बोध हमारा कब होगा, कदा जिससे कि विपर्यास क्षय का, जो विपर्यास क्षय के हेतु बनता है, देखो तत्व प्रतिबोध भी नॉमिनेटिव सिंगुलर है और विपर्यास क्षय हेतु भी नॉमिनेटिव सिंगुलर है, विपर्यास को मतलब विपरीत ग्रहण को क्षय करने के लिए जो कारण, डोगरी समझे, विपरीत ग्रहण को क्षय करने के लिए जो कारण है वो क्या है, तत्व प्रतिबोध, ठीक है ना, दोनों ऐसे आपका प्रथम एक वचन में कदा तत्व प्रतिबोध विपर्यास क्षय हेतु भवति, विपर्यास क्षय के लिए तत्व प्रतिबोध कब आपके लिए हेतु बनता है, ये अपेक्षा होने पर तब अगला श्लोक आ रहा है, इतना अगला श्लोक आ रहा है,
कदा तत्व प्रतिबोध विपर्यास क्षय हेतु मतलब तत्व का बोध विपर्यास मतलब अग्रहण अन्यथा घटतवाद स्वप्न निद्रा और स्वप्न का क्षय के लिए हेतु बनता है इति अपेक्षाया यहाँ पे एक चिंता मजेदार बोलेंगे ठीक है श्लोक पढ़ लेते हैं फिर आते हैं अनादि मायया सुप्तो अनादि मायया सुप्तो यदा जीवः प्रबुध्यते यदा जीवः प्रबुध्यते अजम् अनिद्रम स्वप्नम् अजम् अनिद्रम स्वप्नम् अद्वैतं बुध्यते तदा अद्वैतं बुध्यते तदा अनादि मायया सुप्तो यदा जीवः प्रबुध्यते अजम् अनिद्रम स्वप्नम् अद्वैतं बुध्यते तदा अनादि मायाया है ना माया उसका विषण दिया अनादि अनादि से क्या लेंगे बड़े विचित्र बात जिसका बिगिनिंग समझ में नहीं आता अथवा क्यों हुआ ये समझ में नहीं आता मैं पहले ही बोला था का एक दफ में एक ही मतलब दो घटना को यदि एक समय घटाना है तो दो अलग अलग स्थान से अथवा दो घटना का यदि एक स्थान में करना है तो आपको अलग अलग काल चाहिए लेकिन काल और स्थान एक दूसरे से रिलेटेड है और जो स्वतंत्र रूप से सिद्ध नहीं हो सकता उसको यहाँ क्या बोला ये पारमार्थिक वस्तु नहीं है तो यहाँ पे अनादि अनादि से यदि काल दे केवल काल दे तो क्या हो जाएगा कि काल का तो कोई सीमा नहीं है इसलिए यानी कि कब से शुरू हुआ ये आपको समझ में नहीं आया अनादि केवल आपको हम पूछते हैं भाई काल रात को आपको निद्रा कब आई थी आप क्या बोलोगे क्या उत्तर देंगे कल रात को आप सोए थे ना निद्रा कितने बजे आई थी आपको बताओ कब सोए थे बोल सकते हैं निद्रा हाँ ये निद्रा मतलब अज्ञान कि अज्ञान हमको कैसे आ गया और कैसे आया ये भी नहीं बता सकते ये भी हम नहीं बता सकते या फिर अनादि शब्द से कारण और काल दोनों को ग्रहण हो सकता है काल भी मुख्यतः देखना किस प्रकार से अज्ञान के साथ हम जुड़ गए क्योंकि पहले दृष्टांत तो देख कर गया कि सूर्य में कभी जो है तो अंधेरा आ ही नहीं सकता परंतु प्रत्येक जीव अपना मैं तो जानता नहीं हूँ अपने को ऐसा बोलते हैं अच्छा मैं परम तत्व को नहीं जानता हूँ तो ये जो अज्ञान से जुड़ गए ये भाव आया कैसे ये निरूपण नहीं किया जा सकता है इसीलिए यहाँ पे अनादि और माया शब्द माया शब्द को समझाते हुए यहाँ पे तो आगे बोलेंगे माया इति अविद्यमानस आख्या माया मतलब जो नहीं है उसको माया मा मतलब नहीं और या मतलब जा जो वस्तु नहीं है उसको माया बोलते हैं पंथ प्रतीति होती है और विवेक चिरामणि भगवान भाष्यकार जो माया शब्द का परिभाषा दिया अव्यक्त नाम परमेश्वर शक्ति अव्यक्त नाम एक परमात्मा की शक्ति है अनादि रविता त्रिगुणात्मिका पर जो अनादि है और जो अविद्या भी बोलते माया ही अविद्या है और वो त्रिगुणात्मक है अर्जानुमेया सुधी वगेया जो आपको आपको सीधा सीधा वस्तु नहीं देखेगा आपको क्या देखेगा आपको कार्य के द्वारा अनुमान कर सकते हैं अन्यथा ग्रहण के द्वारा आप अनुमान कर सकते हैं कि यहाँ पे अग्रहण हो रहा है कार्यानुमेया सुधी वगेया कार्यानुमेया सुधी यया जगत इदम सर्वम प्रसूयते जिसके जिससे ये सारा जगत की मतलब प्रतीति उत्पत्ति हुआ जैसा दिखाई पड़ता ठीक है ना अव्यक्त नाम परमेश्वर शक्ति अनादि रविंद्र त्रिगुणात्मिका पर कार्यान्वयया जया इदम जगत सर्वम प्रसूयते जया इदम जगत सर्वम प्रसूयते जिससे जगत सर्व उत्पत्ति होते हैं फिर आगे आप यह बोलते हैं सन्नापि उभयात्मिकानु ये सत है कि असत है उभय रूप से नहीं कहा जा सकता भिन्नापि उभयात्मिकानु ये अधिष्ठान से भिन्न एक अभिन्न भी नहीं बोला जा सकता सांगापि अनंगापि उभयात्मिकानु ये सावय है कि अवयव इसका अंग है कि यह भी नहीं निरूपण कर सकते महाअद्भुत अनिर्वचनीय रूप महाअद्भुत एक अनिर्वचनीय रूप ये माया के लेकर के भगवान विवेक चूड़ामणि में ये श्लोक नंबर तो मुझे याद नहीं आ रहा है बीच में 70 से 80 के बीच में से 75 और 100 आई एम गुड एट द 100
सौ से पहले ही है, मतलब 70 और 75 के 100 के बीच में। तो ये जो है ये माया को निरूपण करना मुश्किल है, माया को निरूपण करना मुश्किल है। परंतु क्या है, मान्यता हम देते हैं क्योंकि हमें अन्यथा ग्रहण हो रहा है। आप स्वयं भी निर्णय कर लेंगे, अरे ये तो तीनों काल में था ही नहीं, आधुनिक माया दृष्टि होगा तो केंद्र बनी तो कश्मीर लीना विदाम जगत, ये अपने आप ही ज्ञान होने के बाद ये जगत कहाँ लय हो गया, मतलब ये फोन ले गया उठा करके यहाँ से। इस प्रकार से ये अपना अनुभव में जब तक नहीं तब तक इससे बचना मुश्किल है। किसी ने बोल दिया हमने मान लिया वो बहुत रेयर होता है, क्योंकि हमें तो जन्मांतरी संस्कार ये सब सत्य है, ये असंख्य से जाने वाले ये अनादि माया सुप्त है ना, ये सुप्त जीव प्रथम एक वचन है, जीव का भीषण है, अनादि माया निद्रा में सोया हुआ जीव है ना, अनादि माया सुप्त जीव, अनादि माया निद्रा में सोया हुआ जीव जदा प्रबुद्धते, जिस समय वेदांत डिंडी वेदांत की भेड़ियों की आवाज गुरुमुख से सुन करके जग जाता है, जब वो जगता है ना, जदा प्रबुद्धते उस समय क्या होता है, अजम मैं जन्म मृत्यु से रहित हूँ। फर्क यहाँ पे अब देखिए, अनिद्रम अस्वप्नम मतलब अग्रण अन्यथा ग्रहण दोनों ही नहीं है ना, अद्वैत बुद्धते उस समय जो है वो हमको भेद रहित तत्व तो समझ में आता है। ठीक सर, परेशानी क्या होता है कि जो यथार्थ जो सो रहा है ना उसको तो जानना आसान है, परंतु तो जग करके जो सोने का भान करता है उसको जगाना बहुत कठिन है, उसको जगाना बहुत कठिन है। यदि हम लोग ने ये जितना जान लिया इतना ही बहुत, ये जानता हूँ वो जानता हूँ ये करता हूँ, यही हमारे लिए जो जग करके सोना है ये आपको जगने नहीं देता। ठीक सर, मुश्किल हो जाता है। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं किस समय ये होता है, प्रश्न हुआ था ये तत्व प्रतिबोध विपर्यास क्षय है, तत्व का प्रतिबोध विपर्यास क्षय के लिए हेतु होते हैं, ये कब होता है, बोलते हैं जब माया निद्रा से जाग जाओगे, जब माया निद्रा से जाग जाओगे। नया शब्द लाया अभी, माया ही तो अविद्यमानस आज्ञा, और माया को लेकर भगवान विवेक की रामी भाषा जो बोला उसी को समझ में आगे, और अनादि शब्द से ये नहीं काल को केवल मत ग्रहण नहीं करना, अनादि से कैसे आया उसका कारण ही समझ में नहीं आता, कारण ही समझ में नहीं आता। और माया हमने क्या बोला था कि अधिष्ठान की अज्ञान को यहाँ पे अन्न माया शब्द करा बोला, ये ब्रह्म ही हमारे लिए सब कुछ है, वही बंधन के भी हेतु है वही मुक्ति के भी हेतु है। अज्ञात ब्रह्म माया रूप में बंधन का हेतु बन जाता है, ज्ञात ब्रह्म माया रहित मुक्ति के हेतु, माइक रूप मतलब अज्ञात ब्रह्म माइक रूप हो गया, अज्ञात रज्जु सर्वरूप हो गया, अज्ञात ब्रह्म ही माइक रूप हुआ, अब ही नाना रूप में दिखाई पड़ते हैं, भूचित्र जलधारा दंड माला सर्प सब वही दिखाई पड़ते हैं, और ज्ञात रज्जु मुक्ति के लिए तुम स्थिति से भी हम सुन। उस समय क्या होता है, अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम बुद्धते तथा जन्म रहित मैं अभ्रम अन्यथा ग्रहण से रहित एक भेद रोहित तत्व हूँ, इस प्रकार ये उस समय समझ में आता है। अच्छा यहाँ पे एक क्या बोल रहे हैं, देखिए प्रबुद्ध टीकाकार श्लोक का अर्थ संक्षेप में बोलते हैं कि प्रबुद्ध मानम तत्त्वम एव विशिनष्टि, जिस तत्व को आप जानोगे प्रबुद्ध मान मतलब प्रतिबोध हो रहा है, जिस प्रकार अपने जगने से क्या देखेंगे, प्रबुद्ध मानम तत्त्व मतलब जिसको समझने के फलस्वरूप आपकी जागृत हुई वो तत्व क्या है, अजम जन्म मृत्यु से रहित है, अग्रण अन्यथा ग्रहण से रहित है, ये चीज जो है इसलिए बोलता है प्रबुद्ध मानव तत्तमेव विशिनष्टि। वहां पर बोला जीव प्रबुद्धते, जब जग जाता है तो जागा कैसे, उसके प्रबुद्ध मान तब तो मतलब जगाने के लिए तब तो क्या है उसमें, तब होता है अजम अनिद्रा अस्वप्न, ये हो गया। अब जो है भगवान भाष्यकार की पंक्ति के लिए बोध करते हैं जीव शब्द वाच्यार्थ निर्देशति, यहाँ पे जीव शब्द आया हुआ है जदा जीव प्रबुद्धते, जीव शब्द का वाच्यार्थ क्या है, जो संसार रूप में दिखाई देता है, जीव शब्द ही वाच्यार्थ है, ये पिंड जीव शब्द का वाच्यार्थ है, इसलिए होता है जीव शब्द वाक्य, लक्षार्थ क्या है निर्विशेष, और वाच्यार्थ क्या है सविशेष है ना, इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं निर्विशेष भाष्य में
जो अयम संसारी जीव है ना, ये हो गया जीव मत तो क्या है, संसरण करने वाला, ठीक है ना, संसार संसारी संसारी प्रतिपादिक है, प्रथम एक वचन है मतलब संसरण, संसरण करने वाला, संसरण चलना, जो भूजन मृत्यु के चक्र में घूमने वाला, जन्म मृत्यु के चक्र में घूमने, जो अयम जो प्रसिद्ध है, हमेशा बोला जब पद प्रसिद्धि का दो सामने दिखाई पड़ते हैं, अयम ये सामने विद्यमान व्यक्ति प्रसिद्ध, सामने जो विद्यमान व्यक्ति जो संसारी है मतलब जन्म मृत्यु के चक्र में घूमने इसका सबब बन गया, मतलब अनादिकाल से भव रोग से पीड़ित है, भवरोग से पीड़ित है, उसके यहाँ पे जीव शब्द के द्वारा कहा गया जीव, ठीक है ना, जीव। फिर एक आ जाइए, परमात्मा एव जीव भाव आपन्न संसरति इति अर्थ, टीकाकार बिल्कुल स्पष्ट बोलते हैं परमात्मा, ये भी तो तुम्हारे पास दो आए नहीं, दो था इसलिए परमात्मा, परमात्मा एव जीव भाव आपन्न, जीव भाव आया क्यों उसके अंदर, वही माया शक्ति के तालात्म कर लिए, तालात्म तो परमात्मा को नहीं होता, माया शक्ति से खेलने के लिए जीव भाव आपन्न संसरति, वही है संसरण करता रहता है, इसी अर्थ इसका भी उपयोग करते हैं। अब बोले कथम तस्य कथम जीव भावावर्ति, ये परमात्मा जीव भाव की प्राप्ति कैसे हो सकते हैं, तस्य परमात्मना कथम जीव भावापत्ति, जीव भाव को प्राप्त कैसे कर सकते हैं, ऐसा शंका करते हैं, तब बोलते हैं भाई कार्य कारण बद्धत्वात्, वो कारण और कार्य भाव से बंधा हुआ है, इससे ये बनता है, इससे ये होता है, ये इसका कारण है, इसका कार्य इस प्रकार से, ये है ना, ये हमारे दक्षिणामूर्ति स्तोत्र है, विश्वम पश्यति कार्य कारणतया स स्वामी संबंधतः शिष्य आचार्यतया तथैव च पितृपुत्रद आत्मना भेदत स्वप्ने जाग्रति जयेश पुरुष माया परिभ्रामित तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये, यही दक्षिणामूर्ति है क्या, कौन ये जो विश्वम पश्यति कार्य कर, इससे ये बना इसका ये कार्य, इसका ये कार्य है उसका ये कारण है, इसका ये कार्य ये फल इस प्रकार से, ये कर्म किया इसका फल, अथवा माटी का इस घड़ा इस प्रकार से सारा संसार को कार्य कारण भाग देखते रहता है, केवल इतना ही नहीं एक ही आत्मा में है, पिता है ये पुत्र है गुरु है शिष्य सब भेद बुद्धि रहता है, विश्वम पश्यति कार्य कारण स्वस्वामी संबंध है तो ये मेरा है मैं इसका मालिक हूँ, एक ही आत्मा में भेद कर लिया, एक ही आत्मा में भेद कर लिया कि ये मेरा है मैं इसका मालिक, विश्वम पश्यति कार्य कारण तो स्वस्वामी संबंध तो शिष्य आचार्यतया, फिर मैं गुरु हूँ ये शिष्य है मतलब ये शिष्य मैं गुरु इस प्रकार से भेद करके बोलते हैं, कहाँ पे एक ही आत्मा में, एक ही आत्मा में ऐसा भिन्न करके देखना जिसका स्वभाव हो गया वही दक्षिणामूर्ति है, क्या कुछ कितने कॉन्फिडेंट बोल सकते थे, जो ऐसा करता है कब करता है जागृत स्वप्न में, जागृत स्वप्न कोई दक्षिणामूर्ति परमात्मा एव जीव भाव आपन्न, क्यों बोला इसको परमात्मा ही जीव भाव है, दक्षिणामूर्ति जीव भाव में दिखाई पड़ता है, परमात्मा एव जीव भाव आपन्न, परमात्मा एव जीव भाव आपन्न संसरति तस्य कथम जीव भाव आपत्ति, वो कैसे आया विश्वम पश्यति कार्यकारण भाव मन में बैठा हुआ, जन्मांतर के संस्कार पिता माता भ्राता सखा बंधु गुरु शिष्य यही इसका बंधन है, ये इसका बंधन का हेतु है, इसलिए जीव भावापत्ति कथम इति आशंक कार्य कारण बद्धत्वात्, कार्य और कारण के द्वारा बंधा हुआ होने के कारण, बंधा हुआ होने के इति आहुषि को मान रखे स, इसको बोलते हैं स उभाष्य में उभय लक्षण है ना, दोनों लक्षण के द्वारा कार्य के द्वारा लक्षित कारण के द्वारा उभय लक्षण है ना, वो उभय लक्षण क्या है, प्रत्य अप्रतिबोध रूपेण बीजात्मना अन्यथा ग्रहण लक्षण, ठीक है उभय लक्षण क्या है, एक हो गया अन्यथा ग्रहण, एक हो गया अग्रहण, ठीक है ना, तत्व अग्रहण हो गया कारण और अन्यथा ग्रहण हो गया कार्य, इसलिए बोलते हैं तत्व अप्रतिबोध रूपेण बीजात्मना, ये हो गया अग्रहण और अन्यथा ग्रहण लक्षण, और उसका फलस्वरूप जो है अन्यथा इसके द्वारा इन दोनों के द्वारा अनादिकाल प्रवृत्तेन, अनादिकाल से प्रवृत्त मतलब किस समय शुरू हुआ वो उसका समझ में नहीं आने के कारण ये कौन है माया लक्षणेन स्वप्नेन, दोनों शब्द प्रयोग किया है ना, माया के द्वारा लक्षित है और जो स्वप्न जैसा पदार्थ है, स्वप्न में हम प्रतीति होती है परंतु कोई पारमार्थिकता नहीं है, जागने पर हम स्वयं जब तक स्वप्न देखते हैं तो सात्विक वस्तु सारा सत्य है, जगने पर हम स्वयं निर्णय करते हैं कि इसमें कोई भी वस्तु पारमार्थिक नहीं था,
अपने आप ही भगवान श्री शंकराचार्य यहाँ पे बोलते हैं भैया जीव माया के द्वारा लक्षित होकर के स्वप्न के द्वारा वो अपने को परमात्मा भाव से हटा करके जीव भाव में आता है, जीव भाव में आता है। ये जो है कि माया के द्वारा लक्षित स्वप्न, ये क्या वस्तु है, ये क्या वस्तु है? माया के द्वारा लक्षित में स्वप्न देख रहा, क्या वस्तु स्वप्न देखना? अब जब स्वप्न देखना क्या वस्तु है बोल रहे, मम अयम पिता पुत्र अयम नपता, मैं पुत्र हूँ, मम अयम पिता पुत्र अयम नपता, ये मेरा पिता, ये मैं, ये इसका पुता, नपता नपता क्षेत्रम, ये मेरा जमीन जायदाद स्त्री ये सब मेरा है, पशु इतने सारे पशु ये सब मेरा है, अहम इसम स्वामी विश्वम पश्यति कार्य कारण स्वस्वामी संबंध, मैं इसका मालिक हूँ। फिर सुखी, जब मालिक अच्छा रहता है समान तो मैं सुखी रहता हूँ, कोई मालिक चला गया तो दुखी भी होता हूँ, तो सुखी दुखी मैं अपने को मानते हैं, शहीद है ना, कभी बढ़ता भी हूँ तो घटता भी हूँ, अहम अनेन वर्धित है ना, जब नहीं था तब मेरा क्षय हो गया, जब आ गया तो मैं बढ़ गया, अपने को बढ़ने घटने वाला वर्धित अनेन एवं प्रकारान स्वप्नान स्थान द्वयपश्य, ये हो गया ये स्वप्नों में, स्वप्न निष्कर्त क्या हो गया, ये जागृत मतलब कार्यबद्ध कारणबद्ध क्या है, ये ममत्व बुद्धि सबसे बड़ा बंधन है, ममत्व बुद्धि प्रधान बंधन है, मैं और मेरा यही बंधन है, इसलिए हमें दूसरे को दिखाने के लिए मम अयम पिते ममत्व, ये मम मतलब ममत्व बुद्धि, ये मेरा है ना, ये मम अयम पिता पुत्र अयम नक्ता क्षेत्र पशव, ये जितना चाहिए जमीन जायदाद ये पशु है, हम ऐसा स्वामी मैं इनका मालिक हूँ, परंतु उसके साथ साथ जैसे स्वामित्व तो लाया उस समय साथ साथ हमने दुखी भी लाया सुखी भी लाया सुदुख भी लाया, क्यों अच्छा मिला तो सुखी हुआ, हट गया तो दुखी हुआ, ये बोलते सुखी क्षय तो अहम अनेन वर्तित अनेन, इसके द्वारा मैं घटता भी हूँ इसके द्वारा मैं बढ़ता भी, अनेक प्रकार अनेन इति एवं प्रकारान स्वप्नान, इस प्रकार जो है स्वप्न को देखते हैं, स्वप्न मतलब अन्यथा ग्रहण, किसी का मालिक नहीं, मालिक एक भगवान ही है, ये तुम भक्ति दृष्टि से देखोगे तुम किसका मालिक बने बताओ, जा जो भी कुछ भगवान ने प्रकृति में दिया हुआ है उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके तुम अपने उपयोगी बना लिया और फिर वो तुम्हारा तुम उसका मालिक भी बन गया, इसलिए यही हमारा बंधन का हेतु होते हैं, अनेन एवं प्रकारण स्वप्न स्थान द्वयपश्यन, देखते स्थान स्थान दोनों स्थान में देखते हुए शुद्ध मतलब यही निद्रा है ना, सोया हुआ है विश्वम पश्यति कार्य कारण स्वस्वामी संबंध शिष्य आचार्य व्यक्ति पुत्र स्वप्ने जागृति जैसे पुरुषो माया पर ये स्वप्न तो सानंद है, स्वप्न अजाग्रत अवस्था है ना, पश्चिम देखते हुए शुद्ध, अब क्या हुआ, परंतु अनेक जन्म की पुण्य संचय होने पर दुख धक्का खाते खाते परीक्ष लोकवान कर्म चितान ब्रह्म निर्वेद माया नास्त्य, ये उसको समझ में आते हैं, फिर क्या कहते हैं तद विज्ञान सदगुरु में अभिगछे, तब उसको जानने के लिए वास्तविक में हूँ कौन, वो गुरु के पास जाता है, और फिर क्या होता है तद विधि प्रणिपाते न परिकृष्ण से, उसको जानते हैं प्रश्न गुरु सेवा करते हैं प्रश्न करते हैं तब उसको जानते हैं, उसी को संक्षेप में देखिए कैसे सुन कर देखते हैं, जरा जिस समय वेदांत अर्थ तत्त्वज्ञ अभिज्ञेन, वेदांत में कहा गया जिस विषय को उस विषय के तत्व को जान लिया जिस आचार्य ने उसके द्वारा, पर वो कैसे होगा दूसरा दिन परम कारुणिकेन, परम करुणामय होते हैं गुरुणा, गुरु का दो भीषण दिया, क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु का क्षत्रिय क्या है वेदांत अर्थ तत्व अभिज्ञेन परम कारुणिकेन गुरुणा, इस गुरु के द्वारा क्या होता है नाशी एवं तम, तुम ऐसा नहीं हो क्या, कैसा नहीं हो, मैं इसका बाप, मैं इसका मेरा बेटा, ये तुम्हारा पत्नी, ये मेरा जमीन, तुम ऐसा नहीं हो एवं शब्द करते जितना तुम अपने को सोच रहे हो ऐसा तुम नहीं हो, हेतु फलात्मक मतलब ये है मुझसे, मैं किसी के लिए हेतु बनता हूँ, किसी के लिए मैं फल हूँ, पिता के लिए मैं फल हूँ और पुत्र के लिए मैं हेतु हूँ, है कि नहीं, ये शरीर
इसका पिता के लिए फल बन गया और अपने पुत्र के लिए हेतु बन गया। हेतु फलात्मक ऐसा दुख नहीं है, तो शरीर के धर्म है। नाश एवं तम हेतु फलात्मक, तो क्या हूँ मैं? किंतु तत्तम शीति, बस तुम्हें उस असत को पूर्ण व्यापक तत्व, तुम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हो। इस प्रकार गुरु बापी प्रतिबोध्यमान, इस प्रकार बार बार उसके कान के सामने जो है उस वेदांत डिंडिम उस वाक्य को सुनकर प्रतिबोध्यमान उसको जगाया जाता है, ज्यादा जिससे मैं जगता है वेदांत उद्घोष है ना, कि तदा एवं प्रतिबुद्धते, उस समय वो जाग जाता है, उस समय जाग जाता है। पहला लाइन का तो अनादि माया सुप्त जदा जीव प्रबुद्धते, यदा जीव प्रबुद्धते तब क्या होता है उसको, फिर आपने में क्या अनुभव करता है, आपने जग गया, अभी जो स्वप्न देख रहे थे जगने के बाद वो स्वप्न दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा, और हम स्वयं क्या निर्णय करेंगे, अरे ये तो मजेदार वस्तु था, ये तो सपना ही मत बोलो, अभी सुखी दुखी तो हो रहा था, कुछ देर तक पकड़ चले लिए धक धक होगा, परंतु देखकर परंतु निश्चय रहेगा कि कभी मजे की बात यही है कि ध्यानी पुरुष जो है अपने आप ही स्वयं अपने व्यवहार को देख कर हंसते हैं, वो अपने आप मजा आता है। मैंने क्या इस बात को कि ये जहाँ पे व्यवहार होना संभव नहीं है, कैसे व्यवहार हो रहा है, जहाँ पे एक सुनना संभव नहीं है, कुछ होना संभव नहीं है, और फिर जो है शरीर व्यवहार कर रहा है, व्यवहार कर रहा है अपने आप ही। इस प्रकार कि जो सच्चाई को जान जाता है तो जादू का जादू दिखा रहे हैं, तो जादू को अपने जादू के द्वारा मोहित नहीं होता है, क्योंकि सच्चाई को जानता है अन्य लोग में, आप जो जान गया वो सोचते हैं कि अरे भाई ये कैसे दिखा रहे, कैसे हो रहा है। यही चीज जो है यहाँ पे बोलेंगे क्या आगे बोलते, देखिए मैं कथन न अस्मिन बाह्य अभ्यंतर व जन्मादि भाव विकारो अस्ति, कैसे कैसे ये जगह बोलते हैं कि क्योंकि इसके अंदर कार्य कारण भाव नहीं है, ये समझ जाता है ना मैं किसी का पुत्र हूँ, ना मैं किसी का पिता हूँ, ना मैं किसी का गुरु हूँ, ना मैं किसी का शिष्य हूँ, ना मैं किसी का पति हूँ, ना मेरा कोई है, ये समझ मैं अकेला ही पूर्ण आश्रम, इसलिए बोलता है कथम न अस्मिन, अस्मिन अपने में है ना, क्या बोलते हैं बाह्य अभ्यंतर, बाह्य कार्य कारण भाव नहीं है, जन्मादि भाव विकार, जन्मादि भाव विकार क्या है, छह भाव विकार है, जायते अस्ति वर्तते विपरिणमते अपक्षयते नश्यते, ये छह भाव विकार इसमें नहीं है। अभी तो यही मानने तो दिया रखा कि मैं पैदा हुआ मरूंगा, मैं बूढ़ा हो गया, देखो ए अरे ना तू पैदा हुआ ना तू मरेगा, ना तू बूढ़ा हुआ ना तू जवान है, ये बढ़िया बोलते हैं जन्मादि भाव विकार न अस्ति, यदि नौ के साथ अस्ति का अन्वय होता है ना, अर्थ इसलिए क्या होता है अजह जो जन्म नहीं है मेरा, आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर मान के को कार्यक्रम बोल अजह बोलते, श्रुति भी ऐसा ही बोलते हैं सब बाह्य अभ्यंतर ही अजह है ना, वो जो है बाहर अभ्यंतर मतलब कार्य कारण भाव को प्रतीति होने पर भी वास्तविक वो जन्म बिंदु से नहीं है ना, इस श्रुति कहती थी श्रुते, मैं पूरा भाष्य को तो पढ़ लूंगा आज पिंडे का बाद में लिखेंगे, भाष्य समझ में आपका स्पष्ट होते सर्व भाव विकार वर्जित मिति अर्थ, किसी भी प्रकार के भाव विकार से वर्जित हूँ मैं, वो भाव विकार के बाद प्रतीति मात्र हमारी मान्यता मात्र है, वो मुझमें कभी भी दीर्घकाल में नहीं है। सर्व भाव विकार जितना भाव विकार जायते अस्थि वर्तते जितनी अपेक्षा थे ये तो है, इसके सिवा और भी बूढ़ा हो गया अथवा मैं बीमार पड़ गया अथवा बचपन था, ये सब जो भी कुछ हम करते हैं, मैं रागी मैं कामी का क्रोधी, ये कुछ भी भाव विकार हमारे अंदर नहीं है, वर्जित विकार थे, क्योंकि यस्मात् जन्मादि कारण भूतम न अस्मिन् अविद्या तम बीज निद्रा विद्यते इति अनिद्रा, क्योंकि जन्मादि के कारण रूप है ना, जन्म जायते अस्थि वर्तते इसका कारण रूप है कि अविद्या तम बीजम कारण भूतम अविद्या तम बीजम, अविद्यात्मक आवरण का जो बीज है जो जिसको हम यहाँ पे निद्रा शब्द से कहा न अस्मिन् विद्यते यस्मात् अविद्या तम बीजम निद्रा अस्मिन् न विद्यते, ऐसा अन्य करना पड़ेगा ठीक है, जस्मात् को लेंगे ठीक है ना, अविद्या तम बीजम निद्रा अस्मिन् न विद्यते, न अस्मिन् यहाँ से लेंगे इसी लाइन के शुरू में है न अस्मिन् फिर अविद्या तम बीजम ठीक है, अन्य करने के लिए अविद्या तम बीजम अस्मिन् न विद्यते, एक मुख है अविद्या तम बीजम अस्मिन् न विद्यते इति, इसलिए क्या हो गया वो अनिद्रम, मतलब वहाँ पे क्या है कि अग्रहण कभी भी नहीं है, अग्रहण कभी भी नहीं है, अनिद्रम ही तत्तुरीयम अतएव अस्वप्नम, वो तुरीय जो मेरा पारमार्थिक स्थिति है
उसमें अज्ञान के साथ कभी संबंध हुआ ही नहीं। जब वो सोया ही नहीं तो स्वप्न कहाँ से दिखेगा, जब सोया ही नहीं तो स्वप्न कहाँ से दिखेगा, मतलब अग्रहण हुआ ही नहीं तो अन्यथा ग्रहण कहाँ से होगा। ये सब जो है कल्पना ही मात्र, इसलिए बोलते हैं अनिद्रम ही तत्तुरीय अतएव अस्वप्नम, क्योंकि वहाँ पे निद्रा नहीं है इसलिए वहाँ पे स्वप्न भी नहीं है, मतलब वास्तविक तुरीय में क्या है अग्रहण भी नहीं है इसलिए अन्यथा ग्रहण भी नहीं है, इसलिए होता है अजम अनित्र अस्वप्न। यही जागरण है, इसको निश्चय करने यही जानना, यही जागरण है। अद्वैतम बुद्धते तथा उस भेद रहित तत्व कैसे हो सकते हैं ये उसको समझ में आ जाता है। इसलिए होता है तन निमित्त तत्व अन्यथा स्वप्न क्यों नहीं है, क्योंकि स्वप्न के निमित्त क्या है निद्रा, मतलब अग्रणी अन्यथा ग्रहण के निमित्त है, अग्रणी अन्यथा ग्रहण निमित्त है पर अग्रण नहीं है इसलिए अन्यथा ग्रहण में है। तन निमित्त तत्व अन्यथा ग्रहण यस्माच्च अनित्रम अस्वप्नम, क्योंकि वहाँ पे अग्रहण भी नहीं है अन्यथा ग्रहण भी नहीं है, कार्य कारण भाव से तस्मात् अजम अद्वैतम, इसलिए भेद रहित तत्व मतलब जन्म से रहित है। तुरीयम आत्मानम, जो अपना पारमार्थिक स्वरूप है उस आत्मा को अपने स्वरूप को बुद्धते है ना, बुद्धते मतलब समझा जाता है, बुद्ध समझा जाता है आत्मा, आत्मा को समझ जाता है बुद्धते तथा उस समय है ना। ये हो गया श्लोक का अर्थ, भाष्यकार के पंक्ति से ही मोरालिस क्लियर हो जाता है। टीकाकार थोड़ा थोड़ा शंका बीच में उठा करके इसको जोड़ देंगे, टीकाकार थोड़ा थोड़ा शंका उठा करके जोड़ देंगे, तो समय हो गया ठीक है। अब यहाँ पर कल फिर टीका को देखेंगे, ये दोनों श्लोक को हो सके याद रखना, ये निद्रा और स्वप्न की परिभाषा और कब तक हमारा निद्रा है, ये माया निद्रा कैसे 59 16 इसका प्रयोग कई जगह पे आया है, मतलब हर जगह करते हैं इसको। आज कौन सा बोलेंगे अंतिम में, सेकंड ठीक। भूतान्यालोकमज्ञानव्यतजनग्राह घोरे समुद्रे कारुण्यादुत्तधारामृतमिदं मम रैर्दुर्लभं भूतहेतो यस्तं पूज्याभिपूज्यं परमं गुरुं पादपादैः।